जय माता दी। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल टेस्ट ऑफ यूपी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नमकीन दलिया बनाना सिखाऊंगी। दलिया मीठा भी बनता है और नमकीन भी, तो लेकिन आज मैं आपको नमकीन बनाऊंगी। पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दलिया, आप सुबह इसे रोज़ नाश्ते में ले सकते हैं। तो आइए हम आपको बनाना सिखाते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये मैंने आधी कटोरी दलिया लिया, आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, और ये थोड़ी सी हमने मटर ली है, ये एक टमाटर, एक प्याज, दो आलू, दो हरी मिर्च। इनके लिए सबसे पहले हम छोटा छोटा काट लेते हैं टमाटर आलू प्याज के लिए। मैंने आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची काट लिए। हम गैस जलाएंगे, कुकर रख दिया है हमने। ये सरसों का तेल है, ये दो चम्मच मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। वैसे आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, अगर सरसों का तेल डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इसे गर्म होने देंगे। ये तेल हमारा हो चुका है गर्म, इसमें धुआं निकल रहा है। हमने गैस सिम कर देंगे, हमेशा मसाले डालते समय गैस सिम कर दीजिए, जिससे कि उसमें उछाल आता है मसालों में। अभी तेल हमारा हो चुका है, धुआं निकल रहा है, इसमें हम सबसे पहले जीरा डालेंगे। प्याज डालेंगे, इसी में हरी मिर्ची डाल देते हैं। अब इसको सुनहरा होने तक, गैस हम फुल कर ले रहे हैं, इसको सुनहरा होने तक हम इसको तलेंगे, जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। ये प्याज हमारा गुलाबी हो गया है, ये देखिए, हम गैस सिम कर लेंगे। सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच, चलाएंगे। जो टमाटर हमने एक काटा हुआ था वो डाल देंगे, चलाएंगे। जो हमने नमक लिया था, एक चम्मच हमने नमक लिया था, तो आधा चम्मच हम अभी डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा अभी नमक डाला है। थोड़ा सा अभी हम आधा कप पानी डाल देते हैं, दो तीन चम्मच। गैस हम फुल कर लेंगे टमाटर गलने तक, इनको चलाएंगे हम। ये टमाटर देखिए हमारे हल्के गल गए हैं, देखिए। अब इसमें हम आलू डाल देंगे, मटर ली थी हमने थोड़ी सी, गोभी डाल देंगे। लाल मिर्च ली थी ये भी डाल देंगे। जो नमक हमने बचाया हुआ था वो भी डाल देते हैं। इसको हम चलाएंगे, गैस हम फुल कर ले रहे हैं। करीब इसको हम अभी दो तीन मिनट चलाएंगे, दो तीन मिनट हो चुके हैं। इसको बराबर चलाते रहें दो तीन मिनट तक, छोड़ें नहीं इसको। ये दो तीन मिनट हो गए, हम इसमें अब दलिया डालें, गैस सिम कर लेंगे पहले।
ये हमने कटोरी दलिया लिया था, ये डाल देते हैं, इसको चलाएंगे। गैस हम मीडियम कर देते हैं। अब जितना हमने दलिया लिया था उसी कटोरी से नाप के 5 कटोरी पानी डालेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 चलाएंगे इसको। गैस हम फुल कर लेंगे। 5 कटोरी पानी, जितना दलिया आप लें उतना ही पानी पड़ेगा इसमें, क्योंकि गेहूं का दलिया होता है तो गेहूं फूलता है, तो ये फूलेगा, इसलिए पानी हमने 5 कटोरी डाला है, जितना दलिया लिया था। इसको चलाने के बाद हम इसको ढक देंगे अब सीटी लगाने के लिए। इसमें अब 2 सीटी आएंगी, उसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए सिम करेंगे, तब बंद करेंगे। अब सीटी आने का वेट करेंगे। इसमें 2 सीटी आ गई हैं। अब इसे हम 2 मिनट के लिए हमने सिम कर दिया है, उसके बाद बंद करेंगे। 2 मिनट हो गए हमने सिम पे किया था इसे। इसे गैस बंद कर देते हैं हम, सीटी निकलने का वेट करेंगे, उसके बाद इसको खोलेंगे। इसकी गैस निकल चुकी है, इसको हम खोलेंगे अब। देखिए दलिया हमारा बनके तैयार है, कितना अच्छा कलर आया इसमें। मटर, टमाटर, आलू सब है इसमें। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे स्वाद के लिए। देसी घी है ये, इससे और अच्छा स्वाद आ जाएगा। अब इसे हम सर्व करेंगे। देखिए हमारा नमकीन दलिया बिल्कुल तैयार है। हम इसे सर्व करने के लिए, इसे हम गार्निश करने के लिए धनिया डालेंगे। दलिया आप रोज़ नाश्ते में खाएं, बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।